हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जहरा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कढ़ाई चिकन की रेसिपी। आज हम बिल्कुल वैसा ही कढ़ाई चिकन बनाएंगे जैसा कि अक्सर ढाबों पे और होटल में सर्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कढ़ाई चिकन बनाना। यहाँ मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है जिसको मैंने साफ धो लिया है। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इस पर हम कढ़ाई रख देंगे गर्म होने के लिए। आप जब कढ़ाई चिकन बनाएं तो अगर आपके पास भारी तले वाली कढ़ाई है तो आप उसी में कढ़ाई चिकन बनाएं। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं और आप इसकी जगह घी भी यूज कर सकते हैं। और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए मैं ये चिकन डाल देंगे। चिकन को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का पानी पूरी तरह से सूख ना जाए और ये तेल इससे छूटने ना लगे। और इसी बीच हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसको हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने से जो इसकी स्मेल होती है वो पूरी तरह से निकल जाएगी और चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। तो चिकन यहाँ हल्का सा फ्राई हो चुका है और देखिए फ्राई होते हुए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और इसी बीच हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम टमाटर लिए हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और टमाटर को यहाँ मैंने मोटा मोटा काटा है। फ्लेम यहाँ पर लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको तब तक पकने देंगे जब तक कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाएं। और बीच में इसको आप खोल कर देख सकते हैं। तो यहाँ मैं लगभग इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगी। 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। और देखिए टमाटर की स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो इसको हम निकाल लेंगे। सारे टमाटर की स्किन हम इसी तरह निकाल लेंगे क्योंकि ये खाने में नहीं तो मुंह में आती है जो कि अच्छी नहीं लगेगी। और जो थोड़ी बहुत स्किन रह गई है वो हम बाद में भी निकाल सकते हैं। तो फ्लेम यहाँ पर मैं हाई कर देती हूँ और इसको लगातार चलाते हुए हम मैश कर लेंगे। टमाटर इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने चाहिए। इसको हम मैश करते जाएंगे और इसको हम भून लेंगे। और इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप अगर स्पाइसी ज्यादा खाते हैं तो आप 1/2 टीस्पून लाल मिर्च भी ले सकते हैं और 2 पिंच हल्दी पाउडर। और अब इसको हम भून लेंगे। तो देखिए टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं और चिकन से तेल भी छूटने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग आधा कप पानी। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी ज्यादा चाहते हैं तो आप 1 कप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि चिकन गला है या नहीं। और उसके बाद हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। और बीच में मैंने इसको एक बार चलाया भी था ताकि जो मसाला है वो नीचे लगे नहीं। और चिकन को हम चेक कर लेते हैं कि गला है या नहीं। अगर आपको लगे कि चिकन नहीं गला है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसको 3 से 4 मिनट ढककर और पका सकते हैं। तो देखिए चिकन यहाँ गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। यहाँ मैं होममेड गरम मसाले का यूज कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और फ्लेम हम यहाँ पर लो रखेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। और 4 टेबल स्पून यहाँ मैं ले रही हूँ अमूल का फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ना डालें। और 6 टेबल स्पून फिटा हुआ दही, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब आप इसमें दही ऐड करें तो उसको अच्छे से फेंट लें, तभी आपकी जो ग्रेवी बनेगी वो बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बनेगी, नहीं तो आपकी जो ग्रेवी होगी वो दानेदार बन जाएगी। और इसको हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। इसमें मैं डालूंगी 4 हरी मिर्च। ये मिर्च ज्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आप स्पाइसी ज्यादा खाते हैं तो आप 4 से ज्यादा हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। फ्लेम को यहाँ पर मैं लो कर देती हूँ और लो फ्लेम पर हम इसको 4 से 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा कलर भी आ जाए और जो हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाए। 3 से 4 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए तेल ऊपर आ चुका है। अब इसमें थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ बारीक अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया और गैस की फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे। बिल्कुल ढाबे जैसा कढ़ाई चिकन बनकर तैयार है। और कढ़ाई चिकन में किसी प्याज का या धनिया पाउडर बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। ऑथेंटिक कढ़ाई चिकन में काली मिर्च, क्रीम और दही और टमाटर का यूज किया जाता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।